तीन चीजों पे है। एक ये कि जो मास अरेस्ट हो रही है काफी लेवल पे, 8,500 के लोग करीब गिरफ्तार किया गया है, छोटे बच्चों को किया गया है। और दूसरा ये कि जो इंतहामात को सियासत बनाया जा रहा है उसको सियासी कलर दिया जा रहा है, छोटे बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। और तीसरा है जो मुलाजिमों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, इन तीन मुद्दों पे हमने आज ये एहतजाज किया। जुल्म नहीं करता अल्लाह ताला उसके साथ होता है। पहले तो डेलीगेशन के लिए दरवाजा बंद हो जाता है, बाद में डेलीगेशन के लिए दरवाजा। जब हाकिम ये जो दरवाजा जिन्होंने बंद किया या आप उनसे पूछे, जिन्होंने खोला उनसे पूछे दरवाजा बंद क्यों किया और खोला क्यों। बाकी डायलॉग नेशनल काउंसिल के साथ है, सिंसियर ऑनेस्ट डायलॉग हो और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हो, दिल्ली और कश्मीर के दरमियान हो, मसला कश्मीर का हल निकल आए, ये इसका नेशनल काउंसिल यही मौके पे इसके हम सपोर्ट करेंगे। तीन मुद्दों पे हमने बात की, ये एहतजाज जो है कि तीन मुद्दों पे, एक ये कि जो मास अरेस्ट हैं ये बंद किया जाए, जो लोग बंद किए गए 9,000 के करीब उनको रहा किया जाए। दूसरा मुलाजमों को जो टारगेट बनाया जा रहा है सियासी तो उसको बंद किया जाए। और दूसरा जो लड़कों छोटे बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है इंतजाम लेने के लिए, ताकि अपनी सरकार का ये दिखाए ये रिट है, कहीं रिट नहीं है, बाहर निकलते नहीं है। और बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर वो अपनी सरकार को दिखाना चाहते हैं। इन तीन मुद्दों के खिलाफ आज हमने एहतजाज किया। ये तो उनका पेशा है, ऐसा वो कर रहे हैं, उसके लिए भी वही जिम्मेवार है। अगर आप मुझसे बात करें मैं बताऊंगा।